ट्रिमिंग इज द बेस्ट वे फॉर प्यूबिक हेयर, लेकिन कुछ लोग हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करते हैं या वैक्स यूज़ करते हैं, तो बल्कि कुछ लोग रेजर भी यूज़ करते हैं जो हम अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन अगर आप हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप ख्याल रखिए कि वो फ्रेग्रेंस वाली ना हो। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज इंचार्ज गायनी ओपीडी इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर एंड इन प्राइवेट क्लिनिक एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट खैरुल बशर जौहर टाउन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ वजाइना, वजाइना की सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। हमारी आज की वीडियो टीनेज की बच्चियों के लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है, क्योंकि ये वो बच्चियाँ हैं जिनके माइंड में बहुत से मिथ्स होते हैं, बहुत से शकूक होते हैं अपनी वजाइनल हेल्थ को लेकर, और शर्म की वजह से या किसी और वजह से ये अपनी माओ से, बहनों से या डॉक्टर से ये चीज़ें डिस्कस नहीं करती। तो हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिससे आप अपने हेल्दी वजाइना को इम्प्रूव कर सकेंगी और वजाइना की केयर कर सकेंगी। सबसे पहला पॉइंट तो आपका है कि आप अंडरगारमेंट्स किस तरह के पहने। अंडरगारमेंट्स के लिए एक बात बहुत क्लियर माइंड में रखिए कि इट शुड बी प्योर कॉटन अंडरगारमेंट्स। कॉटन के अंडरगारमेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ को फैसिलिटेट नहीं करते। दूसरा, ये जो फाइबर्स होते हैं इनके जरिए हवा गुजर सकती है, इस तरह से नमी का भी वो ना नहीं रहता, फंगस ग्रो नहीं कर सकती, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकती। तो आप प्योर कॉटन के अंडरवेयर पहनिए, आप डेली चेंज कीजिए और इन्हें गर्म पानी से धोकर अगर पॉसिबल हो तो धूप में खुश्क कीजिए। दूसरे नंबर पे है कि आप अपने प्यूबिक हेयर किस तरह से रिमूव करते हैं। तो इसमें आइडियली एज अ डॉक्टर जो हम एडवाइस करते हैं ट्रिमिंग इज़ द बेस्ट वे फॉर प्यूबिक हेयर, लेकिन कुछ लोग हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करते हैं या वैक्स यूज़ करते हैं, तो बल्कि कुछ लोग रेजर भी यूज़ करते हैं जो हम अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन अगर आप हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप ख्याल रखिए कि वो फ्रेग्रेंस वाली ना हो, और अगर आप रेजर यूज़ कर रहे हैं तो रेजर की जो रिमूविंग डायरेक्शन है वो हेयर की ग्रोथ की साइड में हो, उसके ऑपोजिट आपने उसे रिमूव नहीं करना। वैक्स भी बहुत से लोग कराते हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन ये बहुत ही एक नाजुक जिल्दी हिस्सा होता है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको वैक्स नहीं करानी चाहिए। तीसरी चीज़ आ जाती है इंटीमेट वजाइनल वॉश मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, लेकिन आपको हर वजाइनल वॉश को सिलेक्ट नहीं करना। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी बात है कि आपकी जो वजाइनल कैनाल है या बर्थ कैनाल है, ये सेल्फ क्लीनिंग एक ऑर्गन है और ये अपनी सेहत का खुद ख्याल रखती है। इसकी एसिडिक पीएच है और इसमें कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि वजाइना की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा वजाइनल वॉश सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटरनली यूज़ करते हैं जो इसकी पीएच को चेंज कर दे, इसके अच्छे वाले बैक्टीरिया को किल कर दे, तो आपकी वजाइना की हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो सकती है, इवन के फर्टिलिटी भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। इसलिए जब भी आप इंटीमेट वजाइनल वॉश सिलेक्ट करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और हमेशा एक्सटर्नल एरिया में यूज़ कीजिए। इंटरनल वजाइनल कैनाल, बर्थ कैनाल में किसी किस्म का कोई केमिकल, कोई सोप, कोई स्प्रे कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि फर्टिलिटी और वजाइना की सेहत किसी तरह से कंप्रोमाइज़ ना करें। ये अल्लाह ताला ने नेचुरली इसका सिस्टम रखा हुआ है कि ये अपनी सेहत का खुद से ख्याल रखती है। दूसरी चीज़ जो टीनेज की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं वजाइनल वॉश को लेकर, वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि जो भी लिकोरिया है वो एक बीमारी है और इसकी वजह से उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है। तो जो वजाइनल डिस्चार्ज हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि दो तरह के वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, ये एक बीमारी नहीं है। ये हार्मोनल चेंजेस जो फीमेल्स की मंथली साइक्लिक डेज में आती हैं उसकी वजह से ये बिल्कुल क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होता है, और समटाइम्स ओवुलेशन डे में ये थिक म्यूकस भी होता है, लेकिन इसमें ना इसका कोई रंग होता है और ना कोई बदबू होती है और ये नॉर्मल है। इसकी मकदार कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है।
यही डिस्चार्ज अगर इसमें कोई रंग आ जाए, ये ग्रीनिश हो जाए, रस्टी हो जाए, ब्राउन हो जाए, या इसमें बदबू महसूस करें आप, या इसकी वजह से ख़ारिश हो, या फीमेल्स जो मैरिड हैं उनको अपने रिलेशन में इससे कोई प्रॉब्लम आए, तो फिर ये एक बीमारी है, ये कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर आप इस तरह का डिस्चार्ज महसूस करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से फौरन कंसल्ट कीजिए, ताकि आप उसकी प्रॉपर एंटीबायोटिक लोकल एज वेल एज सिस्टेमिक ट्रीटमेंट ले सकें। वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में अगर कुछ लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल भी है तो ज़्यादा है, हमारी नॉर्मल रूटीन की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, तो उन बच्चियों के लिए मेरा मैसेज है कि वो पेंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। पेंटी लाइनर यूज़ करने से वो अपने आप को ड्राई और क्लीन महसूस करेंगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे सैनिटरी पैड्स की। सैनिटरी पैड्स जो बच्चियाँ इस्तेमाल करती हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली उन्हें चेंज करना चाहिए। कि माहवारी के दिनों में 4 से 6 घंटे के बाद आप अपना पैड ज़रूर चेंज कर लें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अगर आप ख्याल रखते हैं कि आप किस तरह का फैब्रिक यूज़ करते हैं अंडर गारमेंट्स में, आप वजाइनल वॉश कैसे यूज़ करते हैं, आप अपने सैनिटरी पैड्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, तो आप अपने वजाइना की बेहतरीन हिफाजत कर सकते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैसेज टूडेज वीडियो इज़ दैट कि आप वजाइनल कैनाल, बर्थ कैनाल के अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उसकी सेहत, उसकी बेहतरी, उसके तमाम चीज़ों का, उसके गुड बैक्टीरिया, उसकी पीएच का अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम रखा हुआ है। ये सेल्फ क्लीनिंग एक कैनाल है, तो इस पर आप इंटरफेयर मत कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मान अल्लाह। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।